हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल विद माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर पूरा डिटेल में कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करें हम लोग क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 इकोनॉमिक्स में और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, क्योंकि आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। रटने से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, क्योंकि पेपर भी आपका धीरे धीरे पूरा का पूरा ICSE में अंडरस्टैंडिंग बेस पे होने जा रहा है, तो चैप्टर को आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कोई भी डाउट आपके छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं, और तब भी रह जाए तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लेना। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि डिमांड का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, डिमांड का मतलब नॉर्मल क्या होता है, जैसे आप हो, हम हैं, कोई भी हम लोग सोचते ना, अरे यार वो मुझे बंगला चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे iPhone 15 चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, ये हो जाए वो हो जाए, ये सब क्या है? क्या ये सब डिमांड है? नहीं, ये सब डिमांड नहीं है। देखो, डिमांड में और डिज़ायर में डिफरेंस होता है। नॉर्मली लोग, हम लोग डिमांड डिज़ायर में इतना फ़र्क नहीं समझते, लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड में और डिज़ायर में क्या होता है बेटा? डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है सर बेटा? देखो, तीन चीज़ें होती हैं, ध्यान से देखना। जब ये तीन चीज़ें फुलफिल होंगी, जब ये तीन चीज़ें पूरी होंगी, तब जाके वो क्या होगा? डिमांड होगा। क्या होगी तीन चीज़ें बेटी? पहली चीज़ होती है भाई डिज़ायर। क्या होती है? डिज़ायर, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ होती है एबिलिटी टू पे। क्या होता है? एबिलिटी टू पे। और तीसरा होता है रेडीनेस टू स्पेंड। मतलब समझना ध्यान से भाई, मैंने कहा कि मुझे एक आईफोन लेना है, आईफोन मोबाइल लेना है, iPhone 15, ठीक है। ठीक है, तो मेरे अंदर तीन चीज़ें होगी, ये तीनों चीज़ होगी तभी वो डिमांड होगी, अदरवाइज वो डिमांड नहीं होगी। मतलब क्या सर? देखो, पहली चीज़ तो मेरे अंदर डिज़ायर होनी चाहिए, मेरे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हाँ यार मुझे मोबाइल लेना iPhone 15। भाई मेरे अंदर इच्छा ही नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं 5000 से कम चला लूँगा, 5000 वाले सस्ते वाले मोबाइल से, तब तो बात ही खत्म होगी। मेरे अंदर पहले क्या होना चाहिए? डिज़ायर होनी चाहिए, ठीक है। डिज़ायर है भाई कि iPhone 15 चाहिए, किसको नहीं चाहिए आजकल, ठीक है। नंबर टू, एबिलिटी टू पे। डिज़ायर के साथ मेरे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, इतनी मेरी हैसियत होनी चाहिए, ठीक है, इतने अंदर मेरे पावर होनी चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए कि मैं एबिलिटी हो, 1,00,000 रुपए के अराउंड में मेरे पास पैसे होने चाहिए कि मैं इस फ़ोन को ख़रीद सकूं। चलो ठीक है, मेरे अंदर डिज़ायर भी, मेरे अंदर एबिलिटी भी, मैं इस लायक भी हूँ, ठीक है। नंबर थर्ड, रेडीनेस टू स्पेंड। खर्च करने के लिए भी तो तैयार होना चाहिए। खर्च करने को तैयार ही नहीं हूँ, कंजूस हूँ एक नंबर का। आप एक नंबर कंजूस भैया, आपके अंदर डिज़ायर है, आपके अंदर एबिलिटी है, लेकिन आप कह रहे हम खर्च नहीं करेंगे, हम रेडी ही नहीं खर्च करने को, दैट मीन्स वो डिमांड नहीं होगी। समझ में आ रही बात? अगर तीनों चीज़ें हैं भाई, मान लो मेरे अंदर डिज़ायर है, मेरे अंदर मैं खर्च करने को भी तैयार हूँ, कह रहा हूँ हाँ ठीक है खर्च कर दूंगा, लेकिन मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं मैं खर्च कर सकूँ, मैं ख़रीद सकूँ, तो या फिर मान लो मेरे अंदर रेडीनेस है, मेरे अंदर एबिलिटी भी है, लेकिन मेरी इच्छा मर चुकी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, या फिर मैं सस्ता सामान खरीदना चाहता हूँ, बस महंगा खरीदना ही नहीं चाहता, तो डैट मीन्स वो डिमांड नहीं है। जब किसी इंसान के अंदर किसी भी सामान को लेकर डिज़ायर हो, एबिलिटी हो और रेडीनेस हो, ये तीनों चीज़ जब होगी किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा, क्योंकि आपको मीनिंग लिखा लिखा के मैं याद भी करवा सकता हूँ, बट वो काम टाइम चला गया है, 2024 चल रहा है, पिछले 2-3 साल में पेपर अपग्रेड हुआ है और पेपर बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस पे आ रहा है, आपके रेटिफिकेशन वाला काम ख़त्म हो गया है। तो आई होप डिमांड का मतलब समझ में आया होगा। आगे देखो, मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं क्या होता है डिमांड की मीनिंग। तो लिखोगे द क्वान्टिटी ऑफ अ कॉमोडिटी, किसी भी कॉमोडिटी जो क्वान्टिटी आप ले रहे हो, विच अ कंज्यूमर इज़ विलिंग, जिसमें कंज्यूमर के अंदर क्या है? विलिंग है, इच्छा है, एबल है। देखो विलिंग, यही डिज़ायर, विलिंग होनी चाहिए, दूसरी चीज़ एबल होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, एंड रेडी टू स्पेंड, खर्च करने के लिए तैयार होना चाहिए, टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में उसके अंदर ये तीन चीज़ होनी चाहिए किसी भी कॉमोडिटी को खरीदने के लिए, विलिंगनेस, एबिलिटी और रेडीनेस। अगर ये तीनों चीज़ें हैं दैट मीन्स वो डिमांड है, अदरवाइज वो डिमांड नहीं कहा जाएगा। आई होप आपको डिमांड का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी मीनिंग क्लियर हो गई होगी। मीनिंग अगर पेपर में आती है कि डिफाइन डिमांड, तो आप लोग क्या करोगे? यही सेम मीनिंग लिख के आओगे, फुल मार्क्स आपको 2 नंबर का मिल जाएगा, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे अगला टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ डिमांड।
अगला टॉपिक क्या बच्चा हमारा, टाइप्स ऑफ डिमांड। अब ये टाइप्स ऑफ डिमांड में क्या है, सबसे पहला बेटा है इंडिविजुअल डिमांड। क्या है बेटा, इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, जब कभी भी एक इंसान के बारे में बात होगी, भाई मान लो पूरा क्लास है, पूरा क्लास बैठा है क्लास में, एक चिंटू पिंटू रिंकू टिंकू मिंकू हिंकू, ठीक है ये सब बैठे हैं, मैंने खाली रिंकू को खड़ा किया, भैया रिंकू खड़े हो जाओ, हाँ तो अब रिंकू अगर कोई, या फिर रिंकू कोई डिमांड कर रहा, रिंकू बोल रहा है सर मुझे पेन चाहिए, मतलब जब कोई एक इंसान डिमांड करता है, रिंकू को मोबाइल चाहिए, जब कोई भी कभी भी एक इंसान के बारे में बात होगी या कोई एक इंसान डिमांड करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड। क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड। जब एनी वन पर्सन इज़ डिमांडिंग दैट मीन्स इंडिविजुअल डिमांड, जब एक पर्सन की बात होगी, कोई एक पर्सन कोई डिमांड करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में यही सेम मीनिंग लिख के आओगे, आपका काम हो जाएगा, यही सेम मीनिंग लिख के आओगे, ठीक है। आगे है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब होता है जब हम लोग एक कंज्यूमर की बात नहीं करेंगे, ऑल कंज्यूमर की, इंडिविजुअल में किसकी होती है, अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर की बात होती है, जबकि मार्केट डिमांड में क्या होता है, सारे के सारे जितने भाई सब की बात होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड। मतलब जैसे यहाँ पर लिखा ना कमोडिटी विच आ कंज्यूमर, बस इतना काम करना, आ की जगह यहाँ पर लिख देना ऑल कंज्यूमर, हो गई मार्केट डिमांड की मीनिंग, समझ रहे हो। मतलब मार्केट डिमांड में सेम करोगे, बस आ की जगह यहाँ पे ऑल कंज्यूमर लगा दोगे, जब सारे कंज्यूमर मतलब पूरे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होगे, पूरे देश में कितनी डिमांड है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल कंज्यूमर, समझ में आ रही बात, तो वो क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम कर लेना, मार्केट डिमांड जब सबके बारे में बात होती है, इंडिविजुअल डिमांड जब एक आदमी के बारे में बात होती है, क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना है, मतलब स्क्रीनशॉट के लेना है, मतलब समझ में आ गया, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको इंडिविजुअल मार्केट समझ में आ गया। अब ध्यान समझो कि जॉइंट डिमांड क्या है, यहाँ से MCQ में क्वेश्चन भी बनते हैं और अलग से दो नंबर में क्वेश्चन आते हैं कि जॉइंट डिमांड, कंपोजिट, डायरेक्ट डिराइव, कॉम्पिटिटिव डिमांड, ये सब आते हैं, ठीक है। तो ध्यान समझना कि जॉइंट डिमांड क्या होती है, वो जॉइंट डिमांड का मतलब होता है कि जब एक डिमांड को पूरा करने के लिए, जब कभी किसी एक डिमांड को पूरा करने के लिए एटलीस्ट दो की ज़रूरत होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट डिमांड। मतलब जैसे बेटा कार और पेट्रोल, अगर मान लो पेट्रोल है लेकिन कार नहीं तो कोई काम का नहीं, अगर मान लो कार है लेकिन पेट्रोल नहीं तब भी कोई काम का नहीं, भाई कार है लेकिन पेट्रोल ही नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मतलब जब कोई दो लोग एक दूसरे के बिना, लोग मतलब नहीं, दो सामान एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, जॉइंट डिमांड। मतलब ऐसी डिमांड जिसको पूरा करने के लिए दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट डिमांड, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सकते हो आप लोग कार एंड पेट्रोल, ठीक है, कार एंड पेट्रोल, आप पेन और मार्कर और ये मार्कर और बोर्ड भी लिख सकते हो, भाई बोर्ड है मेरे पास, मार्कर नहीं है, कोई काम का नहीं है, और अगर मान लो मेरे पास मार्कर है लेकिन बोर्ड नहीं है तब भी नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे रह जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब आप मान लो आपके पास मोबाइल है लेकिन इंटरनेट नहीं है, तो आप यूट्यूब चला ही नहीं पाओगे, विदाउट इंटरनेट आप मोबाइल नहीं चला सकते, तो ये सब क्या होगी, आपकी जॉइंट डिमांड होगी, क्लियर है, समझ में आ रही बात, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड बेटा जॉइंट डिमांड का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। मतलब इसमें क्या होता है, किसी एक डिमांड से कई डिमांड पूरी होती है, किसी एक कमोडिटी से कई डिमांड पूरी होती है। मतलब जैसे मान लो कंपोजिट डिमांड में मिल्क है, आपने मिल्क लिया, अब मिल्क से आपका दूध भी बन रहा है ना, दूध तो मतलब मिल ही रहा है, मिल्क तो मिल्क है ही है, आपकी दही भी बन रही है, आपका पनीर भी बन रहा है, आपके स्वीट्स भी, स्वीट्स यानी मिठाई भी बन रही है, खोआ भी बन रहा है। मतलब जब एक किसी चीज़ से कई डिमांड पूरी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हो मिल्क, आप इलेक्ट्रिसिटी भी ले सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, लाइट की बात हो रही है, अब बिजली है, अब लाइट से क्या होगा, घर पे भी काम आएगा है ना, ऑफिस में भी काम आएगा, रेलवे में भी काम आएगा, मतलब आपका घर ऑफिस बाहर जो भी चीज़ें हैं हर जगह काम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी से भी कई डिमांड पूरी हो रही है, मिल्क से पूरी हो रही है, जब एक कमोडिटी से कई डिमांड पूरी होती है बच्चा, उसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट डिमांड। और जब जॉइंट डिमांड का मतलब एक डिमांड को पूरा करने के लिए जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट डिमांड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जॉइंट डिमांड कंपोजिट डिमांड क्या होता है, MCQ में पूछेगा, ध्यान समझो, ठीक। आगे है डायरेक्ट डिमांड, ठीक है, डिराइव डिमांड, ध्यान से समझना। मैंने बोला मुझे एक घर चाहिए, क्या चाहिए, एक घर चाहिए, घर बना लें, चलो झोपड़ी बना लेते हैं ख़राब दुबली पतली सी, ठीक है, ये क्या है हमारा एक, मैंने बोला भैया मुझे एक घर चाहिए, ये देखो घर बन गया, ठीक है,
अभी मुझे घर चाहिए, ठीक है। ये मेरी क्या है बेटा, डायरेक्ट डिमांड। क्या है ये? डायरेक्ट डिमांड, मुझे घर चाहिए। ये कैसी डिमांड है? डायरेक्ट डिमांड है। लेकिन घर को बनाने के लिए क्या चाहिए? ब्रिक, ईटा चाहिए, सीमेंट चाहिए, लेबर चाहिए, सोल मिट्टी चाहिए, है ना। ये सब जो है ब्रिक, ईटा हो गया, सीमेंट हो गया, बालू हो गया, पत्थर हो गया, लेबर हो गया, ये सब होंगे तभी तो घर बनेगा, इसके बिना तो बनेगा नहीं। तो घर जो चाहिए वो डायरेक्ट डिमांड है, लेकिन घर को बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा चीज़ें लग रही है वो क्या है भाई? वो डिराइव डिमांड है। क्या है वो? डिराइव डिमांड है। समझ में आया? तो क्या हो गया, डायरेक्ट डिमांड का मतलब समझे, ड्राइव डिमांड का मतलब समझे? जी सर समझ गए, ठीक है, समझ गए ना। जैसे मान लो एग्जांपल, मुझे कपड़े चाहिए, क्लोथ चाहिए, कपड़े क्या होगा? डायरेक्ट डिमांड। कपड़े को बनाने के लिए कौन चाहिए? टेलर चाहिए, धागे धागा चाहिए, मशीन चाहिए, वो सब क्या हो गई? डिराइव डिमांड हो गई। क्लियर? लास्ट है बेटा आपका कॉम्पिटिटिव डिमांड। क्या है? कॉम्पिटिटिव डिमांड। अब ये क्या होता है, ये कौन सी चीज़ है? कॉम्पिटिटिव डिमांड का मतलब बेटा ये होता है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो जो ये दो, ये जो होता है कॉम्पिटिटिव डिमांड, ये आपके क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स में काम आता है, ठीक है, उसमें होता है। मतलब सर जैसे मान लो आपको बेटा टी है, एक तरफ कॉफ़ी है, ठीक है। अगर मान लो एक का प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे पर इफेक्ट पड़े, मान लो अगर टी की डिमांड बढ़ेगी तो कॉफ़ी की डिमांड अपने आप क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। भाई मान लो टी का प्राइस सस्ता हो गया, टी का प्राइस क्या हो गया? कम हो गया, तो लोग टी ज़्यादा पीने लगे, कॉफ़ी की डिमांड अपने आप कम हो गई। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए कभी कि टी का प्राइस सस्ता हो जाए तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी और टी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यही पेप्सी और कोक में होता है कि अगर एक का प्राइस कम ज़्यादा होगा तो दूसरे के ऊपर डिमांड में फ़र्क पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव डिमांड। जब एक कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे कॉमोडिटी में फ़र्क पड़ता है, डिमांड में कम ज़्यादा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो। उसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ नोट मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लो और जितना है उतना पढ़ के चले जाओ, आपके लिए सफिशियंट रहेगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो बच्चा, फिर उसके बाद आपको आगे बताता हूँ कि इसे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्या क्या होते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, मतलब देखो कोई भी चीज़ की डिमांड जो है कभी बहुत ज़्यादा होगी, कभी डिमांड कम होगी, तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जब डिमांड बहुत बढ़ती है या डिमांड कम होती है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर इसकी वजह से डिमांड कम होती है ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पिछले 10 सालों में 6 से 7 बार तो ये टॉपिक आया ही होगा, तो इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉन्ग में अक्सर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो कौन कौन से फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करते हैं बेटा? सबसे पहला है प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। क्या है? अच्छा ये देखो, ये इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बात हो रही है। इंडिविजुअल मार्केट अलग अलग होता है, इंडिविजुअल मतलब एक आदमी के बारे में बात हो रही है, मार्केट मतलब जब कई लोग डिमांड कर रहे हो, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स है। सबसे पहले क्या है? प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। क्या है? प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। कॉमोडिटी का मतलब क्या होता है? कॉमोडिटी का मतलब होता है कोई भी वस्तु या फिर कोई भी सामान, ठीक है। तो अगर किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है, आप खुद बताओ, कोई भी चीज़ का सामान बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड अपने आप क्या हो जाती है? कम हो जाती है। होता है कि नहीं था? अगर कोई भी आलू है, कोई भी आलू मतलब वेजिटेबल है, कोई भी आप पोटैटो है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, लेडी फिंगर, कोई भी सब्जी है, अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड अपने आप देखना कम हो जाती है। क्यों? अगर आलू का रेट बढ़ गया तो हम लोग कुछ और खा लेंगे, भिंडी खा लेंगे, यार समझ में आ रही बात? तो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। लेकिन जब आप देखो किसी भी फ्रूट्स हो, कॉल आना जरूरी रहता है भाई, एक सेकेंड रुकना बस, ठीक है। अगर कोई भी फ्रूट्स हो, क्या हो बेटा, कोई भी फ्रूट्स हो या कुछ भी हो, सब्जी हो, प्राइस घटता है तो देखना अपने आप उसकी डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, जब प्राइस घटता है तो डिमांड क्या होती है? बढ़ती है। तो पहला फैक्टर क्या है? प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। तो जब कभी भी किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस घटेगा तो डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी बच्चा? बढ़ जाएगी। साइलेंट लगा देता हूँ ताकि किसी कॉल आ ही ना पाए, ठीक है। यहाँ तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नंबर टू, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नंबर टू पर क्या बेटा? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स।
रिलेटेड गुड्स का क्या मतलब है? देखो दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं पहले समझो, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पर यूज़ जाते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पर यूज़ जाते हैं, जैसे आप एग्जांपल में ले सकते हो पेप्सी और कोक। भाई अगर पेप्सी का रेट बढ़ेगा तो मैं कोक पीने लूँगा, कोक का रेट बढ़ेगा तो पेप्सी पीने लूँगा। तो एक चीज़ बताओ, अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ जाए, अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ जाए तो कोक की डिमांड क्या होगी? अपने आप कोक की डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। भाई मान लो पेप्सी 20 रुपए की थी, ठीक, कोक भी 20 रुपए का था, पहले दोनों 20-20 रुपए के थे, लेकिन पेप्सी वाले ने 20 रुपए की जगह इसको कर दिया 25 का, 20 से क्या कर दिया 25 का। अब पेप्सी हो गई 25 रुपए की, कोक तो अभी भी 20 रुपए का है, वो तो नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो लोग कोक की डिमांड अपने आप क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। लेकिन अगर मान लो पेप्सी का रेट 20 से 15 रुपए हो गया, प्राइस कम हो गया भाई, तो क्या करेंगे लोग? कोक की डिमांड अपने आप कम कर देंगे। क्या कर देंगे? कम कर देंगे। कुछ बात समझ में आ रही है? तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में होता है कि जब एक गुड्स का प्राइस बढ़ता है, दूसरे गुड्स की डिमांड क्या होती है? अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन जब एक गुड्स का प्राइस घटता है, दूसरे गुड्स की डिमांड क्या होती है? घट जाती है। तो इसमें रिलेशन कैसा बन रहा है? एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है तो घट रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट रिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्ट रिलेशन, रिलेशन, ठीक है। कैसा रिलेशन लोगों के बीच में? डायरेक्ट रिलेशन, मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है, एक घटता है दूसरा घटता है। पहले वाले में रिलेशन नहीं लिखा था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी में, प्राइस ऑफ द कमोडिटी में यही था ना कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटी, प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ी। तो एक बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, एक बढ़ रहा है। तो इस पर क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप। अगर एक बढ़े और एक घटे तो उसको बोलते हैं बेटा इनवर्स रिलेशनशिप। और दूसरे वाले में क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में क्या होता है? एक बढ़ रहा है, दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है, दूसरा भी घट रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा? और देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में लेते हैं, ये है आपका पेट्रोल और ये है आपका कार, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स समझते हो ना, जो एक दूसरे के बिना यूज़ नहीं हो सकते। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे पेट्रोल है, अब पेट्रोल का प्राइस क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स समझ गया ना, जो एक दूसरे के बिना यूज़ नहीं सकते। जैसे मान लो पेट्रोल और कार हो गया, बोर्ड हो गया और मार्कर हो गया, समझ में आ रही बात? तो अगर मान लो पेट्रोल कार का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब मान लो पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ गया, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो लोग कार की डिमांड क्या कर देंगे? कम कर देंगे। अब तुम बोलो कि सर ऐसा कहाँ होता है, कार ले रहा है पेट्रोल थोड़ी देख के लेगा। तो लेकिन यार दुनिया बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसा भाई देखेंगे पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो कुछ लोग छोड़ देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन मान लो अगर पेट्रोल का प्राइस घट गया, ठीक है, सरकार ने प्राइस घटा दिए, 100 रुपये 70 रुपये में कर दिया, तो डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? क्लियर है? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, इसमें कैसा रिलेशन बढ़ रहा है? एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है। कैसा रिलेशन है बेटा? इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। कैसी रिलेशनशिप है इन लोग में? इनवर्स, ठीक है। ये देखो मुस्कुरा रहे हो रिलेशनशिप के नाम पे, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दो भैया, बोर्ड है इस बार, ठीक है, क्लियर। चलो उसको रफ करूँ, ठीक है, कर दिया जाए, समझ में आ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है, चलो। अच्छा, किसी बच्चे का पेपर वेपर होने वाला है, यूनिट टेस्ट वगैरह है, उसको मैं बता दूं कि पूरा सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है इकोनॉमिक्स का, लास्ट ईयर का, उससे पहले ईयर का भी अपलोडेड है। तो आप लोग जाके आराम से इजीली पढ़ सकते हो, बहुत से बच्चों ने पढ़ा हुआ है और 100 ऑफ 100 कितने बच्चों ने स्कोर किया हुआ है यूट्यूब पे अपलोडेड वीडियो से। तो आप लोग भी उससे पढ़ सकते हो, बाकी साल के लिए भी पूरी वीडियो तो आ ही रही है, आप इससे ही पढ़ सकते हो। लेकिन किसी को जल्दी है तो उनके लिए, और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो वहाँ पे, ठीक, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, तीसरा है बेटा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर का मतलब क्या है? इनकम को डिनोट करते हैं बेटा हम लोग वाई से। किससे डिनोट करते हैं इनकम को? वाई से। तो वाई मतलब यहाँ पर क्या? इनकम। अब बताओ कोई भी इंसान है, मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी है दुनिया में, अगर इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड क्या करेगा? बढ़ाएगा घटाएगा? सोचो, अगर इनकम मेरी बढ़ गई तो मैं ज़्यादा डिमांड करूँगा कम करूँगा? ज़्यादा करूँगा। तो जब इनकम बढ़ जाती है किसी की तो डिमांड क्या होती है? बढ़ जाती है। इनकम घट गई, डिमांड भी घट गई, ये तो नॉर्मल बात होगी। क्या होगी भाई? ये नॉर्मल केस की बात होगी कि इनकम बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, इनकम घट गई, डिमांड घट गई, ठीक, ठीक है सर। लेकिन
अब गुड्स होते हैं दो तरह के, तीन तरह के होते हैं, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, इनएक्सपेंसिव गुड्स। इसको आप काट दो, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बुक में नहीं है, ठीक है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिना वजह आप ज़्यादा क्या करोगे पढ़ के। तो दो बुक दिया है आप, दो को आपको गुड्स दिया है, एक दिया बेटा नॉर्मल गुड्स, दूसरा दिया इन्फीरियर गुड्स। पहले समझो नॉर्मल गुड्स होता क्या है, इन्फीरियर गुड्स होता क्या है, फिर हम लोग बात करते हैं। अच्छा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर कैसा रिलेशन बन रहा है, डायरेक्ट इनकम बढ़ रही, डिमांड बढ़ रही, इनकम घट रही, डिमांड घट रही, कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट, ठीक, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब दोनों केसेस की बात करते हैं, नॉर्मल गुड्स में और इन्फीरियर गुड्स में क्या होगा। देखो नॉर्मल गुड्स होता क्या है पहले समझ लो, नॉर्मल गुड्स का मतलब अच्छी क्वालिटी के गुड्स, कैसी क्वालिटी के, गुड क्वालिटी के गुड्स, गुड, गुड यानी कि अच्छा, अच्छी क्वालिटी गुड्स जो होते हैं, महंगे सामान जो होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल गुड्स, ठीक है। अच्छा, तो अब ये बताओ, इनकम बढ़ी, अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज़्यादा करूँगा कम करूँगा, इनकम बढ़ने पे मैं अच्छी क्वालिटी गुड्स लूँगा ज़्यादा कि कम लूँगा। सर जाहिर सी बात अच्छी लेंगे, पहले मैं पानी वाला दूध लेता था जो आता था 40 रुपये लीटर, अब मैं पैकेट वाला लेता हूँ भैया 30 रुपये का आधा लीटर, समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब इनकम बढ़ी तो मैंने नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ा दी, लेकिन मेरी इनकम जब घट गई तो मैंने कहा यार छोड़ो बंद करो पैकेट वाला, फिर से पानी वाला दूध लेते हैं, ठीक है। तो इनकम घट गई, डिमांड घट गई, तो नॉर्मल गुड्स केस में कैसा रिलेशन बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, कैसा रिलेशन बन रहा है भैया, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। दूसरा वाला कौन सा बेटा, इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स में क्या होगा और देखते हैं, इन्फीरियर गुड्स है। अब इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, इन्फीरियर गुड्स का मतलब क्या होता है, देखो इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो चीप क्वालिटी के होते हैं, किस तरह के, चीप क्वालिटी यानी कि सस्ते गुड्स होते हैं, कैसे होते हैं, सस्ते गुड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो आपकी इनकम बढ़ी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा करो कब करोगे, भाई मेरी इनकम बढ़ गई मैं क्यों खरीदूंगा चीप क्वालिटी गुड्स यार, अच्छी क्वालिटी का लूँगा ना, तो इनकम बढ़ गई डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर मान लो मेरी इनकम घट गई तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा बोलो बोलो, मैं डिमांड बढ़ा दूँगा, क्यों, मजबूरी भाई, इनकम घट गई है, पैसा कम है, तो डिमांड भी मैं ज़्यादा करूँगा चीप क्वालिटी की गुड्स के। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, कोई परेशानी आज तक नहीं है। कैसा रिलेशन बन रहा है इन्फीरियर गुड्स के केस में, इनवर्स रिलेशनशिप। अच्छा, ये सब पेपर में ना आपके MCQ वगैरह में पूछेगा कि भैया इन्फीरियर गुड्स के केस में कैसा रिलेशन बनेगा, नॉर्मल गुड्स के केस में कैसा रिलेशन बनेगा, तो सोच के बता देना, गलत ना करके चले आना, ठीक है, क्लियर। चलो आगे वाला जाए, टफ करें, चलो ठीक है। आगे टेस्ट एंड प्रेफरेंस, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, चलो इम्पॉर्टेंट है भैया सब, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, आगे बेटा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, चौथा वाला। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके टेस्ट में चीज़ें आ जाती हैं, तो उनको प्राइस से इतना फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपको आदत पड़ गई सिगरेट पीने की, पढ़ना नहीं पाए, समझ में आ रही बात, पढ़ने ना पाए, ठीक है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का मतलब होता है कि कोई भी इंसान को टेस्ट में कोई चीज़ आ गई, भाई मैगी मुझे टेस्ट में आ गई, अब यप्पी मैगी मुझे पसंद आ गई, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब कोई भी चीज़ आपके टेस्ट में आ जाती है तो उसकी डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। जब कोई चीज़ आपके टेस्ट से उतर जाती है, अब मुझे नहीं अच्छी लग रही है, डिमांड भी अपने आप कम हो जाती है, समझ में आ रही बात। जब कोई चीज़ आपको अच्छी लगने लगती है तो आप उसकी डिमांड बढ़ा देते हो, आप ज़्यादा खाते हो एक दिन में, नहीं जब अच्छी लगनी कम हो जाती है, टेस्ट से कम हो जाती है, तो डिमांड से आप उसको कम कर देते हो। कैसा रिलेशन बनेगा, पॉजिटिव रिलेशन या फिर डायरेक्ट, डायरेक्ट को हम लोग पॉजिटिव रिलेशन भी बोलते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। पांचवा क्या है भाई, पांचवा लास्ट है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी कैसी है, अगर लिबरल है, लिबरल मतलब इजी है, बहुत आसानी से लोन मिल जा रहा है, सस्ते रेट पे मिल जा रहा है, तो डिमांड क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, ठीक है। रेट, इंटरेस्ट रेट ऐसे कर लो, समझ लो इंटरेस्ट रेट है ना आपका कम है, तो डिमांड क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। भाई जब लोगों को रेट सस्ते रेट पे अगर लोन मिलेगा तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ज़्यादा रहेगा, तो डिमांड भी लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो लोग लोन कम लेंगे, लोग लोन कम लेंगे तो डिमांड भी क्या करेंगे, कम करेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। ये हो गया आपका पांचवा फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, क्लियर, ठीक है, रफ करना है, चलो आगे बढ़ा जाए। ये हो गया पांच फैक्टर्स जो कि आपके इंडिविजुअल डिमांड के थे, किसके थे बेटा, इंडिविजुअल डिमांड के, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तीन फैक्टर है जो कि मार्केट डिमांड के हैं, तो जिसमें सबसे पहले नंबर 1 पर है बेटा पॉपुलेशन, क्या है,
पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है समझते हो? पॉपुलेशन का मतलब बेटा ये होता है, जैसे बताने जाते जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं, जिस कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब खुद दिमाग लगाओ कि अगर पॉपुलेशन, जब किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ पर डिमांड भी क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। वो बोलेंगे हॉस्पिटल ज़्यादा चाहिए, पार्क ज़्यादा चाहिए, स्कूल ज़्यादा चाहिए। तो अगर भैया पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड भी क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। पॉपुलेशन अगर कम है तो डिमांड भी क्या रहेगी? कम रहेगी। कैसा रिलेशन बनेगा? पॉजिटिव रिलेशन बनेगा या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप बनेगा, क्योंकि एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है दूसरा घट रहा है। आसान है, ठीक है सर। नंबर टू पर है बेटा सीज़न एंड वेदर। नंबर टू पर क्या है? सीज़न एंड वेदर। अब मान लो अगर किसी भी चीज़ का सीज़न है, सीज़न समझते हो, अभी ठंडी का दिन चल, ठंडी गर्मी का दिन चल रहा है, अभी अगर सीज़न नहीं है, अभी अगर सीज़न नहीं है किसी भी चीज़ का, तो डिमांड भी अपने आप क्या रहेगी? कम ही रहेगी ना। अब गर्मी के दिन में यार जैकेट कौन खरीदेगा? कोई खरीदेगा नहीं, कोई पागल ही होगा खरीदेगा। लेकिन अगर सीज़न अच्छा है भैया, तो डिमांड क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। कैसा रिलेशन? पॉजिटिव रिलेशन। आसान है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सब की बात हो रही है, पॉपुलेशन एक आदमी की बात नहीं हो रही है, सीज़न एंड वेदर सब की बात हो रही है। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी एक लोग के लिए नहीं बनाएगी, सबके लिए बनाएगी। अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी ला दी, पॉलिसी का मतलब टैक्स रेट वगैरह है, तो टैक्स, मान लो मेरा बिजनेस है कपड़े का, क्लोथ्स का, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कपड़े के बिजनेस में टैक्स रेट बढ़ा दिया, तो वहाँ पर अपने आप डिमांड क्या होने लगेगी भाई? कम होने लगेगी। क्योंकि टैक्स अगर बढ़ा देगा, गवर्नमेंट पॉलिसी किसी की बहुत टाइट आ जाएगी, तो अपने आप क्या होगा, उसकी डिमांड कम होने लगेगी, लोग कहेंगे भाई हम कोई और बिजनेस कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो टैक्स रेट घटा दिया, ठीक है, और अगर टैक्स रेट घटा दिया, डिमांड उसकी इसकी बढ़ जाएगी। अब ज़रूरी नहीं है किसी भी चीज़ में, किसी भी कमोडिटी में हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है। तो टैक्स बढ़ता है तो गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ की रेट बढ़ा देती है, तो वहाँ पर अपने आप डिमांड भी कम हो जाएगी। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशनशिप है, क्लियर है। तो ये हो गए आपके डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। अब आप सोच रहे हो सर आपने तीन ही क्यों बताया, सर इधर तो पाँच बताया था और पुक में तो सात आठ दे रखा है। देखो चीज़ समझो बेटा, आपको एक बात बताता हूँ ध्यान से। अगर मार्केट डिमांड आएगा, इंपॉर्टेंट ध्यान सुनना, मार्केट डिमांड आएगा, तो आप ये पांच भी मार्केट डिमांड में ले सकते हो, समझ हमारी बात। मार्केट डिमांड में आप इंडिविजुअल वाला भी ले सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल में ये मार्केट का आप नहीं ले सकते हो। तो अगर इंडिविजुअल का है तो यही पाँचों लिख देना, मार्केट का है अगर पाँच लिखने को तो आप ये दोनों उसमें से दो लिख देना। लेकिन अगर मान लो खाली फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड लिखने को है, तो इन आठों में से आप कोई भी लिख सकते हो। अगर इंडिविजुअल या मार्केट वर्ड नहीं लिखा है तो आप कोई सभी लिख सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, चलो ठीक है। तो वीडियो कहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे और डिटेल में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।